आम का सीजन है और आम के इस सीजन में अगर मैंगो बर्फी ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम बनाएंगे यही मैंगो बर्फी। खास बात यह है कि इस मैंगो बर्फी में हम कोई भी कंडेंस मिल्क मावा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि इसमें हम एक बूंद घी भी नहीं डालेंगे, तो भी ये जो हमारी बर्फी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाते हैं। तो मैंगो बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैंगो का पल्प। तो सिंपल यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंगो लिए थे जिनका छिलका उतार कर उनको रफली कट कर लिया है। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंगो से मुझे यहाँ 1 कप मैंगो का पल्प मिला है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो आज जो हम ये बर्फी बना रहे हैं इसमें हम कोई भी मावा कंडेंस मिल्क या फिर मलाई, यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको पहले बताया घी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारी बर्फी जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, उसका जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा रिच आए, इसके लिए इसमें हमें मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी है। फिर भी आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह फिर आपने आगे रेसिपी में खोआ या मावा या फिर मलाई वगैरह जो है यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ है। अगर इसके अंदर छोटे मोटे चंक्स वगैरह रह गए हैं तो आप उसको फिर से एक बार मिक्सी में चला लें या फिर आप उसे छान लें। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप दूध। तो यहाँ सिंपल मैंने उबला हुआ दूध लिया है और उस दूध की भी मलाई मैंने जो है यहाँ निकाल ली है। आप चाहें तो दूध के साथ जो मलाई है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर कच्चा दूध है तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो कोई से भी ब्रांड का दूध आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में आता हो। तो बस अब इस दूध में एक अच्छा सा हम उबाल आने देंगे। जब दूध में इस तरीके से बढ़िया सा उबाल आ जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे बीच बीच में थोड़ा बहुत हम चलाते हुए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दूध का जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो बहुत ज़्यादा देर इसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में हमें स्पैचुला से थोड़ी सी साइडों में जो ये मलाई लगेगी ना इसे खुरच कर दूध के अंदर मिलाते जाना है। तो अभी दूध को यहाँ मुझे पकाते हुए करीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं और अभी इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम भी हो गई है। तो अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम मीठा ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप चीनी। तो चीनी फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह मिश्री या खांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर करीबन 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो बढ़िया से दूध में मिक्स हो जाए। तो इधर चीनी अच्छे से दूध के अंदर घुल गई है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच दर्दी कुटी हुई इलायची। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इसे हटा सकते हैं, इसकी जगह आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। हरी इलायची डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने से जो हमारी बर्फी है उसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा दानेदार आएगा, साथ में ही खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए अब जैसे इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए करीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट ने सारा जो दूध है वो सोक कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा मैंगो जो हमने पीस के रखा हुआ है। तो बस मैंगो का पल्प डालने के बाद इसे हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही करीबन 4 से 5 मिनट पका लेंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये मिश्रण है वो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने नहीं लग जाता। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस स्टेज पर इसको हमें कंटिन्यूसली चलाते ज़रूर रहना है क्योंकि अभी जो ये मिश्रण है बिल्कुल गाढ़ा है, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से जो है जल सकता है जिससे हमारी बर्फी थोड़ी कड़वी बनेगी। तो इधर मुझे पकाते हुए इसे करीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो ये हमारा मिश्रण है बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रहा है, एक तरफ इस तरीके से ये खट्टा हो रहा है। तो फिर भी चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए इस मिश्रण को एक हम प्लेट में रखेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए। इसी बीच में इसको हमें लगातार चलाते ज़रूर रहना है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो चलिए जो हमारा ये बर्फी का मिश्रण है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब अपने हाथों पे थोड़ा सा हम घी या ऑयल लगाएंगे और इस मिश्रण की गोली बनाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी उंगलियों पर चिपक नहीं रहा है, बहुत आसानी से इसकी गोली बन रही है, यानी जो हमारा बर्फी का ये मिश्रण है बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। बस अब इसको इससे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे।
अब इसके बाद हम लेंगे इस तरीके से एक ट्रे। तो मेरे पास ये बर्फ़ी की ट्रे है, आप कोई भी थाली ले सकते हैं या फिर आप कोई टिन भी ले सकते हैं चकोर वाली, तो जो भी आपके पास हो आप उसी हिसाब से यहाँ बर्तन ले लें। अब इसको हम घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो आराम से जो है इसमें से डीमोल्ड हो जाए। तो चलिए मैंने इस पर बिल्कुल अच्छे से घी लगा लिया। अब इसके बाद बर्फ़ी का जो ये मिश्रण है इसे हम ट्रे के अंदर डालेंगे और स्पैचुला से हम इसको अच्छे से फैला देंगे। अगर ये मिश्रण स्पैचुला पे बहुत ज़्यादा चिपकता है तो आप थोड़ा सा घी या ऑयल लगा दें, इससे जो है आपको फैलाने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो बर्फ़ी की मोटाई फ्रेंड्स आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आपको बर्फ़ी पसंद हो उसी हिसाब से आप इसे पतला या मोटा फैला दें। तो चलिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको फैला दिया है और इसकी जो ऊपर की सरफेस है उसको भी हमें थोड़ा बढ़िया से प्लेन कर देना है, इससे बर्फ़ी देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस अब इसे हम रखेंगे फ्रिज में करीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, बट अभी गर्मियाँ हैं फ्रेंड्स तो ये सेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो इधर मैंने बर्फ़ी को करीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं लगा रही हूँ सिल्वर वर्क। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह यहाँ पर ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी इसको सजा सकते हैं। इससे बस देखने में थोड़ी जो बर्फ़ी है ना वो सुंदर लगेगी। तो मैंने यहाँ इसको चकोर पीसेस में कट किया है, आप अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं। और मेरे काटने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो हमारी बर्फ़ी है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड्स ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो लीजिए फ्रेंड्स ये हमारी मैंगो बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान इसको बनाना और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है। अच्छा फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप मैंगो बर्फ़ी बना रहे ना तो आप इसमें घी ज़रूर ऐड कीजिएगा। घी से इसका जो टेस्ट होता है ना वो और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे बनाने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, आप इस तरीके से ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ऐसे भी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही सिंपल रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।